का नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं हमारे एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है पांच का तड़का लेकर। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम पांच का तड़का है, तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज मैं आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी पांच मजेदार खबरों से रूबरू करवाऊंगी जो इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है। और आज हम सबसे पहले अपने इस खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान के बारे में और साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी दिशा पाटनी के बारे में। जी हां, दिशा पाटनी जो इन दिनों सलमान खान के साथ भारत को लेकर काफी ज्यादा खुश है, काफी ज्यादा चर्चा में भी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि दिशा पाटनी सलमान खान के साथ फिल्म भारत का हिस्सा बनेंगी, लेकिन भाई वो सलमान खान के लिए क्या कुछ कर रही हैं ये आपको पता चलेगा हमारे इस खास रिपोर्ट में। अब भाई आखिरकार सलमान खान है ही इतने अच्छे इंसान कि उनके साथ हर छोटी बड़ी एक्ट्रेस काम करने का सपना देखती है और कहीं ना कहीं दिशा पाटनी का ये सपना पूरा हो रहा है और वो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं सलमान खान को कहीं ना कहीं इंप्रेस करने की। तो वहीं आपको पता चलेगा धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जी हां, जो हमेशा ही अपने एक्सप्रेशन, अपने डांस और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं आपको बता दे सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को भी फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अब सलमान और माधुरी दीक्षित के रिश्ते के जो है वो अब खुलासा हो गया है। एक पुरानी तस्वीर वायरल हुई है जिसमें ये दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक होते हुए नजर आए हैं। तो वहीं आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अपनी सौतेली बहन यानी कि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को लेकर उन्होंने एक काफी चौंकाने वाला बयान दिया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक वक्त था जब अर्जुन कपूर अपनी बहन खुशी और जाह्नवी कपूर से बात तक करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन श्रीदेवी के जाने के बाद अर्जुन कपूर ने एक माँ की तरह, एक भाई की तरह अपनी बहनों का ख्याल रखा और वो वाकई काबिले तारीफ है। तो वहीं आपको बिना देरी किए अब बिना वेट करवाए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर पांच तड़कती भड़कती हॉट स्पाइसी खबरों पर नजर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म भारत को लेकर खूब चर्चा में हैं। तो वहीं आपको बता दें इस फिल्म में सलमान खान के साथ उनकी चहेती कैटरीना कैफ और दिशा पाटनी नजर आएंगी। कैटरीना कैफ और सलमान खान को तो कई बार एक बड़े पर्दे पर देखा गया, लेकिन दिशा पाटनी और सलमान खान को एक साथ पहली बार देखा जाएगा। तो वहीं दिशा पाटनी भी सलमान खान के लिए और इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करती हुई नजर आई हैं। खबरों की माने तो दिशा ने शूटिंग शुरू होने से पहले फिटनेस एक्सपर्ट नदीम अख्तर से 3 महीने तक जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली है। नदीम बताते हैं कि दिशा के साथ काम करते हुए 1 साल हो गया है, हमने भारत के लिए काफी समय साथ बिताया है। मुझे बताया गया था कि दिशा को रिंग से निकलना होगा, इसके अलावा और भी रेगुलर ट्रेनिंग होगी, इसलिए हमने एयर कार्ड भी फ्रंट फ्लिप और हैंड स्प्रिंग से शुरुआत की है। फिल्म की टीम ने बॉडी डबल का अरेंजमेंट किया था, लेकिन दिशा ने सब कुछ खुद करने का फैसला किया। नदीम ने बताया कि प्रैक्टिस के दौरान उनके घुटनों में चोट लग गई थी, लेकिन दिशा ने शूटिंग पर असर नहीं पड़ने दिया। इस फिल्म में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की रोमांस ने सबको दीवाना बना दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से आज हम इन दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप सभी की पुरानी यादें जरूर ताजा हो जाएंगी। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर सलमान खान और माधुरी दीक्षित की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें माधुरी दीक्षित और सलमान खान एक दूसरे के बेहद करीब नजर आए हैं और इस तस्वीर में माधुरी दीक्षित सलमान खान की बड़े ही प्यार से गालों पर किस करती हुई नजर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी और फैंस इन दोनों की तस्वीर को काफी ज्यादा पसंद भी करते हुए नजर आए हैं। Thank you.
बेबी इस दुनिया को अलविदा कह के गई हैं तभी से जॉनी कपूर और खुशी कपूर यानी कि उनकी दोनों बेटियां काफी ज्यादा अकेली पड़ गई थी। और इसी के बाद आपको बता दे अर्जुन कपूर ही थे जिन्होंने जॉनी और खुशी का काफी अच्छे से ख्याल रखा। एक वक्त था जब अर्जुन कपूर जॉनी और खुशी से बात तक करना पसंद नहीं करते थे और हाल ही में अर्जुन कपूर ने अपनी सौतेली बहन जॉनी और खुशी को लेकर काफी चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की प्रमोशन के दौरान अर्जुन ने कहा, मैं हमेशा ही वैसा इंसान रहा हूँ जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता है। मैंने और अंजना ने वही किया जो हमें सही लगा और इसका असर ये हुआ कि हमारी जिंदगी में दो बेहतरीन इंसान जॉनी और खुशी जुड़े। उन्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनके लिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में हूँ। बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण और उनके बाजीराव रणवीर सिंह नवंबर 14 और 15 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन शादी से पहले ही दीपिका ने रणवीर संग अपने रिश्ते की पोल खोल दी। जी हां, खबरों की माने तो दीपिका पादुकोण हाल ही में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आलिया भट्ट के साथ शामिल हुई थी। इस शो के दौरान रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। तो वहीं जब करण जौहर ने दीपिका पादुकोण से पूछा कि आप रणवीर के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो इस बात का जवाब देते हुए दीपिका एक राज खोलती है और कहती है कि रणवीर और वो 5 नहीं बल्कि 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। अर्जुन कपूर जी हाँ, जो पिछले काफी वक्त से बॉलीवुड कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं, तो वही कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर अपने मोटापे की वजह से भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों काफी परेशान चल रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म नमस्ते इंग्लैंड रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। वहीं इस फिल्म के फ्लॉप होने का कारण अर्जुन कपूर का मोटापा बताया जा रहा है। खबरों की माने तो नमस्ते इंग्लैंड में अर्जुन कपूर मोटे नजर आए हैं, वो शेप में नहीं थे। उनका बढ़ा हुआ वजन फिल्म देखते समय अखरता है। जरूरत है अर्जुन कपूर अब वजन घटाने की और सही फिल्म को चुनने की, तभी अर्जुन कपूर बॉलीवुड में कुछ खास कमाल दिखा पाएंगे। जिसमें हमने आपको दिखाई 5 तड़कती भड़कती खबरें, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से दिशा पाटनी सलमान खान के साथ काम करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो वहीं किस तरीके से वो ट्रेनिंग ले रही हैं और सारे स्टंट वो खुद ही करने वाली हैं सलमान खान की फिल्म भारत में, तो वहीं आपने देखा कि किस तरीके से माधुरी दीक्षित और सलमान खान की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें माधुरी दीक्षित सलमान खान को किस करती हुई नजर आती है। ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोगों की भाई पुरानी यादें ताजा हो गई है, क्योंकि एक वक्त था जब सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बड़े पर्दे पर हमेशा ही हिट साबित होती थी। वहीं आपको बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारों के बारे में भी जानने को मिला, लेकिन अब फिलहाल दोस्तों दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। लेकिन आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसी ही 5 तड़कती भड़कती खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।